दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक से बढ़कर एक खुलासे होते ही जा रहे हैं। जी हाँ, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नए नए अपडेट्स पता चल रहे हैं कि सुशांत सिंह के केस में कौन कौन इन्वॉल्व था। बॉलीवुड के साथ ही साथ कई सारे अलग अलग लोगों पे भी इल्ज़ाम लगने स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों इन सभी मामलों में जो है रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उनको इन सभी चीज़ों में जो है लाया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, हाल ही में रिया चक्रवर्ती को टोटल 11 घंटे पुलिस थाने में रखा गया, उनसे पूछताछ की गई, हर एक चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन मांगा गया। अब दोस्तों ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने तो साफ कह दिया था कि मैं हमेशा से ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहती थी और हमेशा उसका ख्याल रखने की कोशिश करती थी, हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करती थी। मतलब सारी की सारी जो चीज़ें हैं रिया चक्रवर्ती ने बता दी पुलिस को। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ एक और खुलासा ये हुआ है कि जो सुशांत सिंह राजपूत का फ्यूनरल हुआ था उसमें रिया चक्रवर्ती को आने से मना कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो सुशांत सिंह राजपूत के पापा हैं और जो बहन हैं, उन्होंने मना कर दिया था रिया चक्रवर्ती को फ्यूनरल में आने से सुशांत सिंह राजपूत के। अब दोस्तों ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती का कुछ हाथ था इस सभी चीज़ों में। तो ऐसे में कई बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनकी बहन यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन और पिता ने क्यों मना किया, आखिरकार क्या वजह थी मना करने की। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चले कि रिया चक्रवर्ती को अनफॉलो भी कर दिया गया सोशल मीडिया से। अब दोस्तों ऐसे में क्या रिया चक्रवर्ती को बॉयकॉट किया जा रहा है या फिर क्या है इसकी वजह, आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें बॉलीवुड बाजार। दोस्तों धन्यवाद।